और यार तुम बड़े अजीब आदमी हो, शो भी शुरू कर लिया और मुझे बताया भी नहीं। हाँ तो तुझे फिर भी समझ में नहीं आया? पाजी ये देख लो, इस बंदे ने मुझे कहा था चंदन जिस दिन शो शुरू होगा 8 फॉरेनर लड़कियों के साथ तुम्हारी एंट्री होगी और मुझसे बड़ा रोल तुम्हारा होगा। पाजी मैं बैठा था बेकार, मुझे टाइम पास करने के लिए बातें चाहिए थी, मैंने कर दी। सिद्धू पाजी ये इकलौता इंसान है जो बचपन में भी क्यूट नहीं लगा, आप सोचो। पड़ोसन इनकी मम्मी से कहती बहन एक महीना ज्यादा लगा लेती बच्चा तो ढंग का पैदा करती। What is this rubbish? हाँ जी पाजी, पड़ोसन इनके चाचा जी बनते थे, हाँ वहीं से मर्दों को साड़ियां पहनाने का आइडिया आया इनको। और मैं आपको पता बचपन में कितना क्यूट था मैं, कितना? वो तो बचपन में किसी हॉस्पिटल में किसी बच्चे के साथ अदला बदली होगी, नहीं तो आप ओरिजिनल वन को देखो, होश ना उड़ गए तो कहना। आपको पता भाई इसकी मम्मी ने ना इसे देख के वो बर्तन वाले नहीं आते एक्सचेंज कर लेते, आप इसको देखे ना एक्सचेंज करके पतीला ले लिया। तो इसकी मम्मी कहती भैया ये क्या है, इसमें तो डेंट पड़ा हुआ है। कहती इसमें तो एक पड़ा हुआ पतीले में, इधर देखो कितने हैं। हाँ तो आप ही तो एक साल से गायब थे, ये क्या बात हुई? यही तो बात है, सारे जानना चाहते कहाँ थे आप। मैंने इस बंदे के लिए ब्रेक लिया था, मैंने कहा चलो मैं ब्रेक लेता हूँ तो ये भी अपने पैरों पर खड़ा होगा। पाजी पैरों पे छोड़ो, ये घुटनों पे आ गया। जू बीच पे देखा मैंने, घुटनों पे वाले से बैठा हुआ था। योगा ट्रेनर कहते उसको, योगा ट्रेनर था पाजी, मैं उधर आसन सिखाता था मैं। योगा ट्रेनर? हाँ पाजी, इसने ये वो ऐसी वाली बनियान पहनी हुई है। कैसी वाली? इतनी वाली वो शॉर्ट्स, हाथ में शीशी है तेल की, सामने चटाई पे मोटा सा आदमी लेटा हुआ है। कौन सा योगा होता भाई? कौन सा योगा होता है? ऐसे ऐसे कर रहा था वो पार्ट टाइम था, फुल टाइम तो मैं पाजी मैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जॉब करता हूँ, वो भी व्हाइट कॉलर जॉब। वो कौन सी व्हाइट कॉलर? बस गली के मोड़ पर बैठ जाना और लोगों को बताना इधर नहीं जाना, इधर कुत्ता काट लेगा। कुत्ता तुम्हें नहीं काटता यार, रिलेशन भी कोई चीज होती है। ये पाजी ऐसा इंसान है, जिस दिन इसकी शादी हुई ना, जिस घोड़ी पे ये बैठा हुआ था, साथ में इसने टांगा बांध लिया। तो जैसे ही लड़की वाला घर पहुंचा ना, बरात को कहता आप अंदर जाओ, खाना भी ना खाओ, मैं सवारियां छोड़ के आता हूँ। ये तू कैसे गंदे काम करता है तू? पाजी मैं कमिटमेंट का पक्का हूँ, स्वागरात मेरी चाहे एक दिन लेट होगी लेकिन सवारियां मैं टाइम पर छोड़ कर आया था। इनके दराने चलता शो छोड़कर घर में बैठ गए। ये इतना इतना घटिया आदमी है, इतना कमीना इंसान है, अपने घर के कमरे में से ड्राइंग रूम में आ गया, 6 लोगों के बीच में इनके पिताजी बैठे हुए हैं, कहते पापा आपको अगर कहीं जाना नहीं तो अपना अंडरवेयर मुझे दे दो। ऐसे करता है कोई? इसमें इंसल्ट वाली कौन सी बात है पाजी, बाप की प्रॉपर्टी में बच्चों का होता है? उनको क्या पता प्रॉपर्टी क्या चीज होती है। खैर सिद्धू पाजी आप इतने बड़े नेता हैं, आप मुझे उधर संसद में वो जो बढ़िया एंकर लगवा रहे, जो हेडफोन लगाकर गाने नहीं सुनता, बोल लोगों को बोल बोलता है बदतमीज आदमी, वो स्पीकर होता है, स्पीकर जागरण में होता है जो उधर माइक के पास होता है, इस इंसान को पता ही कुछ नहीं है। मेरी बात सुन, बातों बातों में भूल गया, सिद्धू भाई ने तेरे लिए एक मैसेज दिया था। देखो बड़े बड़े लोगों के मैसेज इधर आ रहे हैं, मेरे को बता कुछ ना, बताओ क्या मैसेज आया। सिद्धू भाई मेरे को बुला करते बात सुन, मेरी वो जो चंदू है ना चाय वाला, उसको बोल डायरेक्ट मेरे से बात ना किया करे, मेरा स्टैंडर्ड कम होता है। कहते पब्लिक में मुझे सीधा नमस्ते भी नहीं करनी, बीच में कोई एजेंट डाले उसके थ्रू लेटर आए फिर मैं बात करूंगा। भाई आपने ऐसे बोला, अब वो मानेंगे? अभी और सुनना बाकी है कुछ? जो मर्जी मैंने इधर से नहीं जाना। पाजी मेरी बात सुनिए। सुना। इस बंदे ने इधर ना सलाह देने का काम खोला है, मेरे को कहता है इधर चाय की टपरी थी तुम्हारी उसको बेच दो, जो भी पैसे आएंगे मैं इन्वेस्ट कर दूंगा। पाजी 8 लाख रुपए इसने मुझसे ले लिया, वापस नहीं दे रहा। तुझे 8 लाख चाहिए ना? मुझे 8 लाख चाहिए। एक बात बता, अगर तू दूसरी जगह काम करेगा तुझे कितनी पगार मिलेगी? मैक्सिमम 10,000 रुपए। देख लो औकात अपनी पता है, मैक्सिमम 10,000 रुपए। तो तू एक काम कर, मेरे यहाँ 80 महीने काम कर, 10,000 के हिसाब से तेरे को 8 लाख तरह मिल जाएगा। लेकिन पैसे तो आपने देने ना। हाँ तो मैं ही दूंगा ना। तो अपने पैसे के लिए काम कौन करता है? सारे अपने पैसे के लिए करते हैं। सिद्धू भाई मेरे पैसे के लिए काम कर रहे हैं, तू मेरे पैसे के लिए काम कर रहा है, सब अपने पैसे के लिए काम करते हैं। लेकिन
जो पैसे मैंने आपको दिए मैं वो मांग रहा हूँ। तू तो बचपन से मांग रहा है। मांगता ना मैं उधार हूँ, ये तो मेरे हक के पैसे हैं। हक के पैसे वो होते जो मेहनत से कमाए जाते हैं। हाँ। और तो पहले मेहनत कर, तेरे पैसे मिल जाएंगे तुझे। यार कुछ समझ में नहीं आ रहा, अपने पैसे के लिए काम करना पड़ रहा है। नहीं 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 पैसे दो। देख तुझे मेरी शर्त माननी तो ठीक। हाँ। नहीं तो मैं किसी और को लग लेता हूँ, 10,000 उसको दे दिया करूंगा। नहीं 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 मैं ही कर लेता हूँ 10,000 पर मंथ। Looking handsome as always. Hey, Kappu Sharma, तुम फिर आ गए। तो वो क्या, वो ट्रेन के नीचे आ गया? और Kappu Sharma, तुम फिर आ गए? तमीज से बात करो। भाई एक बात बताओ, तुम्हारा कितना बाकी है? 340 रुपए लाओ जल्दी फटाफट। नहीं 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 पैसा नहीं, जीवन। अपना बचा कुचा जीवन काटो और निकलो धरती से यार। अपने काम से काम रखो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। अरे काम हो तो रखे ना यार, आए दिन ही आदमी काम बंद कर देता है। तो मैंने तुम लोगों की जिम्मेदारी ली हुई है? तो लो ना। कब लोगे? अरे Kappu Sharma समझा करो यार, हम बच्चा है, हमारा खुद का 11 बच्चा है, जितना पैसा कमाया था खत्म हो गया, अब और नहीं बच्चा है। यार मेरी बात सुनो, इसको तुम बाद में देखते रहना, सबसे पहले मेरा क्लियर करो कि मैं इस शो में हूं कि नहीं हूं। ये पूछ के आया, तू भी आ जा। ओ भाई ओ, पूछ के आया से क्या मतलब है आपका? डू यू हैव नॉलेज कि यहाँ पर ये जो मोहल्ला है इसमें मोस्ट प्रॉपर्टी हमारा है। ये जो घर के अंदर आप अपना दुकान खोलना ना, ये भी हमारा है। चला किराया निकालिए इसका, किराया। अबे ग्राहक तो आए तभी दूंगा ना किराया, ऐसे कैसे दे दूं? Kappu Sharma चुपचाप किराया निकालिए, वरना वरना क्या यार। ये देखिए बिजनेस भी क्या खोला है, सलाह देने का। ये भी नहीं कह सकते कि हम सामान उठा के ले जाएंगे, सामान ही नहीं है, सलाह देंगे। सलाह तो उठा के ले जा नहीं सकते हम। तो तेरे से तो अच्छा ही है ना, शर्म नहीं आती तुझे? तबेला खोला है, जानवरों की कमाई खा रहा है, शर्म नहीं आती? रुको रुको, टायर हुआ करता था पतला होकर रिंग बन गया। बच्चा तुम्हें शर्म नहीं आती? इतनी खूबसूरत बीवी के साथ कोई ऐसी बात करता है? भाभी क्या लग रही हो आप? तेवर जी एक आप ही हो जो मेरी ब्यूटी की तारीफ करते हो, वरना ये तो सारा दिन पैसों को एडमायर करते रहते हैं। भाभी जी आपने थोड़ी जल्दी कर दी, मैं कह रहा हूँ आप कह दी ना तो 100 लड़के लाइन लगा के खड़े होते हैं आपके पीछे। हाँ जी पहले यही खड़े थे ना, इसलिए पीछे वाले दिखे ही नहीं। बोलने को हम भी बहुत कुछ बोल सकते हैं, लेकिन वो पिछले दिनों आपने हमारे लोअर बैक पे वो L5 पे जो मुक्का मारा था ना, वो अभी तक दर्द कर रहा है। पता है हमारी रीढ़ की हड्डी में गैप आ गया है सर, 3 महीने से हम लंगोट नहीं बदल पाए कि उसी गैप में जाके लंगोट अटक गया है। एक मिनट, ये गद्दों में रुई भरने वाले इधर क्या कर रहे हैं? हेलो मेरी बात सुनो, वो काम मैंने तब से छोड़ दिया था जिस दिन मैंने आप में रुई भरी, सॉरी आपके गद्दों में रुई भरी थी। इनके गद्दों में मैंने रुई भरी, ऊपर बैठे रुई बार फूस। देख चंदू, तू बच्चा को कुछ भी कह ले, अगर मेरी भाभी के बारे में कुछ बोलो ना, सुष्मिता सेन जैसी भाभी के बारे में, ओ मेरे से बर्दाश्त नहीं होगा, बता रहा हूँ। सुष्मिता सेन किसी ने भिगो कर रखी है ये। एक मिनट Kappu Sharma। हाँ तो याद नहीं आ रहा यार, ये लो सोसाइटी आदमी भी हमारी शादी में आया था। अरे तुम्हें याद नहीं है हमारी शादी में जो बड़ा वाला बोपू ने भी जा रहा था? बड़ा वाला बोपू करता है, उसमें दाल डाल के चूस चूस के यही तो पी रहा था। पाजी एक मिनट देवर जी, ये तो फिर भी दाल पी रहे थे ये? पाजी इनसे तो भूख बर्दाश्त ही नहीं होते, ये तो हवन की सारी सामग्री खा गए थे। और पाजी फिर इन्होंने सामग्री जो खाई ना, ऐसा धुआं छोड़ा
गर्मियों के दिन थे जून जुलाई के, भरी फोग में मेरी डोली गई है। भाभी हाँ जी, मेरी सलाह मानती ना आप, मैं तो ये शादी करने नहीं देता, मैं लेट जाता आपकी डोली वोली करके आगे, मैं आपके नीचे आके मर जाता। आपको सलाह दीजिए हिम्मत, ऐसी कमाल की बेकार की सलाह देता है कि क्या बताएं। सिद्धू जी उस दिन आपके लिए भी सलाह दे रहे थे, कह रहे थे कि सिद्धू पाजी को देश का पीएम नहीं बनना चाहिए, पता है क्यों? क्योंकि कह रहे थे देश का सबसे बड़ा पोस्ट है उसके आगे करियर ही नहीं है। ये तो सलाह दिया। ए तितली, सलाह वाला के चक्कर में हम तो पूछना ही भूल गए, सुबह से हमारा 11 बच्चों में से 2 बच्चे दिखाई नहीं दे रहे, खो गए हैं क्या? खो गए नहीं, धो गए हैं। एक्चुअली गंदे हो गए थे, मैंने वॉशिंग मशीन में डाल दिया है, अब तक तो अच्छे हो गए होंगे साफ। तितली कितनी बार तुमको समझाया, वॉशिंग मशीन बच्चे धोने के लिए नहीं है, लस्सी बनाने के लिए है। वैसे भाभी जी मानना पड़ेगा, 11 बच्चों के बाद भी क्या मेंटेन किया आपने। थैंक यू देवर जी, थैंक यू। मेंटेन है भाभी जी, शर्माती है ना आप, तो क्या बात लगती है, मुझे अभी तक यकीन नहीं हो रहा आपने इस आदमी से शादी की। मुझे तो खुद यकीन नहीं हो रहा, मैं क्या बताऊं, मुझे बहुत अफसोस होता है पाजी, मैं कौन सा ऐसा वक्त था जो मैंने हाँ कर दिया, इतने बड़े बड़े रिश्ते आते थे मेरे लिए ना कलेक्टर का भी रिश्ता आया था। हाँ तो कोई जिले का कलेक्टर नहीं था, सिनेमा हॉल का टिकट कलेक्टर था। देवर जी आप मेरी तरफ से इसको जवाब दो जरा। भाभी ये मुझे फिर दुकान से निकाल देंगे। पकड़ो, ऐसे दुकान से निकाल देंगे, दुकान इनके बाप की है क्या? आए बड़े, ये मारूंगी नाक का बिजनेस सब पार जाएगा। आप बोलो पक्का? हाँ। तो सुनो फिर पाजी, ये बंदा अपनी शादी वाले दिन घोड़ी में बैठा, घोड़ी ऐसे और क्या? आप यकीन नहीं करोगे, अभी वो घोड़ी ना जो उसकी छिपकली बनी हुई है, वो दीवारों पे ऐसे ऐसे करके चढ़ती, पता आपको? ओ पाजी ये तो कुछ नहीं है, सोसाइटी ने रूल बनाया है कि देखो इधर जो मर्जी कर लो लेकिन टॉयलेट इधर बिल्कुल नहीं करना। देवर जी जो मर्जी बोले, लेकिन तुम कौन होते हो बोलने वाले? हाँ ये अब मजा आया, बहुत बोल रहा था कुकुर मुत्ता कहीं का। ये कुकुर मुत्ता क्या होता है? अरे हम कुत्ता ही बोलना चाह रहे थे, लेकिन डायरेक्ट में मजा नहीं आता ना, इसके लिए लपेट के दिया हमने।